अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं मोहसिन रजा और आप लोग देख रहे हैं वर्चुअल स्टूडेंट सपोर्ट सर्विसेज यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मैंने एक नया चैनल 24/7 टीचर्स ऑनलाइन शुरू किया है, जिस पे आपको डिफरेंट सब्जेक्ट्स के लेक्चर्स अवेलेबल हैं। जो आपके मुश्किल सब्जेक्ट हैं उनके ऊपर वो मैंने लेक्चर रिकॉर्ड किए हैं। उस चैनल का URL आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और इस वीडियो के एंड पर भी मिल जाएगा, www.youtube.com/teachersonline4u। दोस्तों, मैं जितनी भी वीडियोस बनाता हूँ वो सिर्फ आपको आइडिया देने के लिए होती हैं, तो आप उसे एज एन आइडिया ही कंसिडर किया करें। दोस्तों, आज की जो मेरी वीडियो है वो MGT301 प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग की जो हमारी असाइनमेंट नंबर 1 आई हुई है उस हवाले से है। दोस्तों, इस असाइनमेंट के अंदर हमें एक केस दिया गया है। इसमें हमें एक लाहौर बेस्ड फैशनेबल क्लॉथिंग ब्रांड का जो है विकर बताया गया है। दे आर ऑफरिंग रेडीमेड अनस्टिचेज एंड हुकेज कॉटरेज क्लॉथ विच इज कंसिडर एज हाईली स्टफ आफ्टर विद इन द कंट्री विद माइल्स ऑन लॉयल कस्टमर अक्रॉस द पाकिस्तान एज वेल एज अब्रॉड। और उसके जो कस्टमर हैं वो पूरी दुनिया के अंदर हैं और बहुत मशहूर कपड़ों का ब्रांड है। दिस ब्रांड इज अचीव्ड हाइट ऑफ सक्सेस बिकॉज ऑफ एक्सक्लूसिव और ट्रेंडनेस, यूनिकनेस एंड सुपीरियर क्वालिटी फैब्रिक। और इनकी कामयाबी की वजह जो है वो वही है कि दे आर ऑफरिंग हाई क्वालिटी प्रोडक्ट विद द हाई क्वालिटी फैब्रिक। अदर देन जस्ट फोकसिंग ऑन रेवेन्यू जनरेशन, दिस ब्रांड हैव एम ऑफ इम्प्रूविंग द इन्वायरमेंट बाय मेकिंग इज फ्री from plastic population, as after oil and gas sector fashion and retailer industries are the second largest plastic polluter across the globe। अब ये जो है, ये जो हमारा plastic population हो रहा है उसको कम करने की कोशिश कर रहे हैं। having the said atmosphere, ये has introduced biodegradable bags that is infused with plant feeds in them। After using, the customer can tear the bag into small pieces and plant those pieces into the soil for the seeds to germinate and contribute to making the environment greener and population free। इसका मकसद जो है वो यही है कि वो environment को जो है वो population मतलब आलूदगी से पाक कर सके। This incredible idea significantly applied amplified the theme of spaphere among its target customer। Moreover, this initiative earned the brand huge word of mouth publicity and resulted in appreciation from the people belonging from all walk of life। The spore of this remarkable initiative over Instagram, Facebook via blogger and in-store advertisement increased the brand equity। Indeed, initiative is considered as one of the दोस्तों, ये हमें एक जो है केस दिया गया है। इसमें एक कंपनी का बताया गया है जो कपड़े बेसिकली बना रही है और वर्ल्ड फेमस है, और वो जो है ना कम करना चाह रही है प्लास्टिक पॉपुलेशन को, पोल्यूशन को। और उन्होंने वो साथ बैग्स दे दिए हैं, उसके अंदर बीज है और उन बैग्स को पीसीज में कन्वर्ट करके हमने ज़मीन के अंदर बोना है, जिससे जो माहौल है वो पोल्यूशन फ्री बनेगा। और वो इस चीज़ को एडवर्टाइज कर रहे हैं ऑन डिफरेंट सोशल नेटवर्क, जिसमें आपके पास इंस्टाग्राम है, फेसबुक है एंड ब्लॉगर है। ये जो है केस हमने माइंड के अंदर रखना है। और रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग मार्केटिंग ओरिएंटेशन फिलॉसफी यू थिंक स्पॉफियर इज अडॉप्ट एज पर गिवन सिनेरियो, कि कंपनी जो है कौन सी मार्केटिंग ओरिएंटेशन फिलॉसफी यूज कर रही है। उसमें हमारे पास प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट है, प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट है, सेलिंग कॉन्सेप्ट है एंड सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट है। ये तो होगी पहली रिक्वायरमेंट। अब दूसरी रिक्वायरमेंट क्या है, व्हाट काइंड ऑफ अदर बेनिफिट यू थिंक सॉफ्टवेयर could achieve by adopting the marketing orientation philosophy। जो हम marketing philosophy use करेंगे उसके और क्या फायदे हो सकते हैं। तो ये
रिक्वायरमेंट हैं, तो चलिए हम लोग सबसे पहले पहले जो हमें रिक्वायरमेंट दी गई है कि वो कौन सी मार्केटिंग फिलॉसफी यूज़ कर रही है, तो मैं आप लोगों से चारों जो है वो विद इन डिटेल जो है डिस्कस कर लेता हूँ, फिर आप ये खुद फैसला कर लें कि विच वन यू हैव बीन सिलेक्टेड, कि आप कौन सी सिलेक्ट करेंगे। इसमें पहली है द प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट होल्ड दैट कंज्यूमर विल फेवर प्रोडक्ट, के जो प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट है उसमें जो आपके कंज्यूमर हैं वो आपकी प्रोडक्ट को लाइक करते हैं, आपकी प्रोडक्ट को फेवर देते हैं, दैट आर अवेलेबल एंड हाईली अफोर्डेबल, और जो इजीली अवेलेबल होती है और हाईली अफोर्डेबल भी होती है, एंड दैट मैनेजमेंट शुड देयर ऑफ फोकस ऑन इम्प्रूविंग प्रोडक्शन। और इसका जो मकसद है बेसिकली प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट का वो ये होता है कि टू इम्प्रूव द प्रोडक्शन साइट, कि आप अपनी प्रोडक्शन साइट के अंदर जो फ्लॉज हैं या जो ड्रॉबैक्स हैं उनको इम्प्रूव करें, एंड डिस्ट्रीब्यूशन एफिशेंसी, और आपकी जो डिस्ट्रीब्यूशन एफिशेंसी है उसको भी बढ़ाएं। This is one of the oldest philosophy that guide seller, और ये जो philosophy है ये seller के लिए होती है और सबसे पुरानी है। अब जो हमने केस पढ़ा है, आपने ये देखना है कि ये जो मैंने पॉइंट्स हाईलाइट किए हुए हैं, फेवर प्रोडक्ट्स है, इसमें हाई अफोर्डेबिलिटी है, इम्प्रूविंग प्रोडक्शन है, डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी है एंड गाइड फेलर, अगर तो ये पॉइंट्स आपके उस केस के अंदर फिट होते हैं या आपके उस केस के अंदर फॉल करते हैं, तो फिर आपने इस कॉन्सेप्ट को सेलेक्ट करना है बिकॉज ऑफ द हाईलाइटेड रीजन। ये आपने इनको रीजंस बनाना है और इस कॉन्सेप्ट को आपने सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद बात आ जाती है सेकंड हमारी फिलॉसफी की, वो क्या है, द प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट होल्ड दैट कंज्यूमर फेवर क्विकली प्रोडक्ट, कि आपके जो प्रोडक्ट्स हैं वो उसकी क्वालिटी को फेवर करते हैं, लाइक करते हैं, दे आर रीजनेबल प्राइस्ड, आपके जो प्रोडक्ट एंड सर्विसेज हैं उनकी जो कीमत है वो रीजनेबल है, एंड देयर फॉर लिटल प्रमोशन एफर्ट इज रिक्वायर्ड, और उनको प्रमोट करने के लिए आपको ज़्यादा एफर्ट की ज़रूरत नहीं है, बल्कि थोड़ी सी एफर्ट से भी काम चल जाएगा। The failing concept holds that the consumer will not buy enough of the company product unless they are stimulated through suitable selling and promotion effort. और company की products जो हैं वो उस वक्त तक लोग नहीं खरीदेंगे जब तक company उनको advertise नहीं करेगी। The product concept states that the consumer will favor products that offer the most quality. वो उस प्रोडक्ट को जो है फेवर करते हैं जिसकी क्वालिटी सबसे अच्छी होगी, परफॉर्मेंस सबसे अच्छी होगी, और जिसके फीचर्स जो हैं वो सबसे ज़्यादा होंगे, एंड दैट द ऑर्गेनाइजेशन शुड देयर ऑफ डिवोट इट्स एनर्जी टू मेकिंग कंटिन्यूस प्रोडक्ट इम्प्रूवमेंट, और उस प्रोडक्ट को लाइक करेंगे जो कंपनी जो है बार बार अपनी प्रोडक्ट के अंदर कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट लेकर आ रही। अब दोस्तों हमारा जो केस हमें दिया गया उसमें ऑलमोस्ट ये चीज़ें पाई जाती हैं, उसके अंदर हाई क्वालिटी भी है, जो रेडीमेड गारमेंट्स ऑफर किए जा रहे हैं उसके अंदर एक रीजनेबल प्राइस भी है, उसकी लिटिल प्रमोशन भी चल रही है, उसके साथ साथ बाकी की भी चीज़ें जो हैं वो चल रही हैं, तो इसलिए आप इस कॉन्सेप्ट को सिलेक्ट कर सकते हो। रीजंस जो हैं यहाँ पे मैंने हाईलाइट भी कर दी हैं, आप इनको अपने अल्फाज में भी लिख सकते हो। अब हम बात करते हैं अगर जो बच्चे मतलब प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट को सिलेक्ट करेंगे वो इसके मुताबिक ये वाली रीजन। अब हम बात करते हैं अगली की, सेलिंग कॉन्सेप्ट। फेलिंग कॉन्सेप्ट क्या, मेनी ऑर्गेनाइजेशन फॉलो द फेलिंग कॉन्सेप्ट। द फेलिंग कॉन्सेप्ट इज द आइडिया दैट कंज्यूमर विल नॉट बाय एनफ द ऑर्गेनाइजेशन प्रोडक्ट अनलेस द ऑर्गेनाइजेशन अंडरस्टैंड अ लार्ज स्केल सेलिंग एंड प्रमोशन एफर्ट। कंपनी की प्रोडक्ट उस वक्त तक नहीं खरीदेंगे लोग जब तक वो एक लार्ज स्केल प्रमोशन नहीं कर देते। देयर आर नॉट ओनली हाई रिस्क विद इन द अप्रोच बट लो सेटिस्फेक्शन ऑफ कस्टमर। अब इसके अंदर कॉस्ट सबसे ज़्यादा हाई है, रिस्क फैक्टर भी बहुत ज़्यादा है कि आप बहुत ज़्यादा पैसा जो है वो एडवर्टीजमेंट के ऊपर खर्च कर दें और हो सकता है कि कस्टमर आपके प्रोडक्ट को लाइक ही ना करें, खरीदें ही ना, तो ये एक रिस्क फैक्टर इसके अंदर मौजूद है। और फिर जब वो आपकी प्रोडक्ट को नहीं खरीदेंगे तो उससे लो सेटिस्फेक्शन ऑफ कस्टमर होगा कि कस्टमर की जो सेटिस्फेक्शन है वो भी नहीं होगी। तो ये जो फर्स्ट कॉन्सेप्ट है आपका प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट वो भी, और ये जो आपका सेलिंग कॉन्सेप्ट है ये तो आप लोगों ने सिलेक्ट करने ही नहीं है दोनों, लेकिन जो आपका ये प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट है आप इसको चूज कर सकते हो, ये वाली रीजन लिख सकते हो, और उसके बाद ये जो अगला आपका कॉन्सेप्ट आ रहा है सोसाइटल कॉन्सेप्ट आप इसको
भी सेलेक्ट कर सकते हो, इसके अंदर भी कुछ चीजें आपकी उसके साथ मैच करती हैं। द सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट होल्ड दैट द ऑर्गेनाइजेशन शुड डिटरमिन द नीड्स एंड वांट्स एंड द इंटरेस्ट ऑफ द टारगेट मार्केट, या हम कस्टमर का भी कह सकते हैं कि वो आइडेंटिफाई करते हैं, देन दे प्रोवाइड देयर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज टू दोज कस्टमर हु हैव नीड दैट प्रोडक्ट, जो जिन लोगों को उसकी ज़रूरत है वो उनको वो चीज़ प्रोवाइड करते हैं। इट शुड देन डिलीवर द डिजायर सेटिस्फेक्शन मोर इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली, फिर वो एक इफेक्टिव वे के जरिए वो चीज़ अपने कस्टमर तक पहुँचाते हैं। देन द कम्पेटिटर वे, वो उनके कम्पेटिटर से वे बहुत अच्छा होता है, दैट मीन maintain or improve the customer, consumer and the society as well being, और इस तरीके से जो है वो अपने कंज्यूमर को भी और पूरी सोसाइटी को भी जो है वो इम्प्रूव कर रहे होते हैं और उसको मेंटेन कर रहे होते हैं, उसको होल्ड कर रहे होते हैं, उसको रिटेन कर रहे होते हैं कस्टमर को। तो ये जो आपका सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट है ये भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो अब आपने इन दोनों में से एक कॉन्सेप्ट को सिलेक्ट करना है, या तो आप सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट को सिलेक्ट कर लें या फिर आप जो प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट को सिलेक्ट कर लें। अब आपका जो फर्स्ट वाला है प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट और सेलिंग कॉन्सेप्ट, वो उसके अंदर फॉल नहीं करता, आपने उनको सिलेक्ट नहीं करना है। और ये जो दो कॉन्सेप्ट मैंने बताए आपको, प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट और आपका सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, इसमें से कोई एक सिलेक्ट करें और फिर उसकी रीजन दें। और रीजन जो है ये इसके अंदर मैंने थोड़ी सी हाईलाइट कर दी है, आपने इनको अपने अल्फाज के अंदर लिखना है। इस तरीके से हमारा जो है फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाता है। अब बारी आ जाती है सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन के अंदर वो ये कहता है कि जो कंपनी है उसको कौन कौन से बेनिफिट्स होंगे अगर वो आपकी बताई हुई ओरिएंटेशन फिलॉसफी को फॉलो करती है। तो बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, उसमें से कुछ मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं, मैंने सिर्फ इनको पॉइंट्स की सूरत में लिखा है, आपने इनकी डिटेल भी देनी है। यहाँ पे फर्स्ट जो मैंने पॉइंट लिखा है दैट इज लॉयलिटी, कि कस्टमर की लॉयलिटी गेन करेंगे अगर आप वो वाली स्ट्रेटेजी या वो वाली फिलॉसफी या वो वाला कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। तो इंक्रीज सेल, उससे आपकी सेल भी बढ़ सकती है अगर आप वो वाली फिलॉसफी अडॉप्ट करते हैं जो हम लोग सिलेक्ट करेंगे। हाई ग्रोथ, आपकी जो ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है अगर आप वो बताई हुई फिलॉसफी या कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हैं। इसके बाद है हाई शेयर, आपका जो मार्केट शेयर है वो भी ज़्यादा हो सकता है अगर आप ये बताई हुई फिलॉसफी या कॉन्सेप्ट फॉलो करते हैं। कस्टमर सेटिस्फेक्शन है लामोहला, जब आप ये फिलॉसफी या कॉन्सेप्ट अडॉप्ट करेंगे उससे जो आपकी कस्टमर की सेटिस्फेक्शन है वो भी बढ़ जाएगी। हाई टर्नओवर, ये आपका ज्यादा प्रॉफिट, इंक्रीज प्रॉफिट के मायनों में भी आ जाता है कि आपका जो कंपनी का टर्नओवर है वो बहुत ज्यादा हाई हो जाएगा। दोस्तों ये थी हमारी असाइनमेंट, और मैं आपसे फिर गुजारिश करूंगा कि आप youtube.com/teachersonlineforyou पे जाइए, वहां पे आपको बहुत सारे सब्जेक्ट्स के लेक्चर अवेलेबल हैं, जिसमें आपका CS101 है, MGT101 है, CF201 है, MGT201 है, HTML है, आपका वेब डेवलपमेंट है, आपका C++ प्रोग्रामिंग है, ऑफिस का है आपका 2019 का, और भी बहुत सारे लेक्चर्स वहां पे मेरे अपने रिकॉर्डेड अवेलेबल हैं। तो आप लोग जाइए वहां पे मेरे चैनल 24/7 टीचर्स ऑनलाइन को सब्सक्राइब कीजिए, और जैसे आपने मुझे वर्चुअल स्टूडेंट सपोर्ट सर्विसेज में प्रमोट किया है, मुझे इस मकाम पे पहुंचाया, तो आप उसको भी प्रमोट कीजिए और मुझे उसमें भी उसी मकाम पे पहुंचाइए जिसमें मैं आज इस मकाम पे हूं। दोस्तों मिलते हैं अगली किसी एक असाइनमेंट की वीडियो के साथ, या क्विज या GDB की वीडियो के साथ। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।